नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आज फिर अतीक के करीबी पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। सफदर अली के घर पर एक बार फिर बुलडोजर चला है। सफदर अली के घर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। सफदर अली के घर पर बुलडोजर चला है। उमेश हत्याकांड के बाद योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं। उनका बुलडोजर एक बार फिर गुंडे और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी अशोक तिवारी का। अशोक, तस्वीरें हम देख रहे हैं बुलडोजर एक्शन में, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, दरअसल प्रयागराज में जो 60 फीटा रोड है वहां पर सफदर अली का जो मकान है वहां पर आज सुबह पुलिस के तमाम सारे लोग और प्रशासन के लोग पहुंचे थे और बाकायदा एक नोटिस दी गई थी कि ये मकान अवैध है, इस मकान का जो निर्माण किया गया है उसका मानचित्र स्वीकृत नहीं है। और उसके बाद घर वालों को ये कहा गया था कि आप लोग जल्द ही इस घर को खाली कर दीजिए, इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो आप सीधे तौर पर देख पा रहे होंगे कि मकान को तोड़ने की प्रक्रिया यहाँ पर लगातार देखी जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले जब जेसीबी मशीन हरकत में आई थी तो उसके बाद से ही जो घर का सामने का हिस्सा है, मैं अपने कैमरा सहयोगी सचिन से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि घर के ठीक सामने का जो हिस्सा है उसको फिलहाल पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। अभी जो जेसीबी मशीन है उसके माध्यम से घर का जो दूसरा हिस्सा यानी जो अंदर का हिस्सा है उसके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया फिलहाल यहां पर अभी शुरू की जाएगी थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल घर के बाहर का जो हिस्सा है उसका ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की गई है। तो इस लिहाज से आप यूं कह सकते हैं कि जब उमेश पाल हत्याकांड का पूरा मामला सामने आया तो उसके बाद से सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि एक बड़ी कार्रवाई हम लोग सरकार के माध्यम से करेंगे और उसका एक बड़ा मैसेज भी समूचे प्रदेश में जाएगा अपराध और अपराधियों के खिलाफ। तो फिलहाल वही तस्वीर प्रयागराज में देखने को मिल रही है। आप देखिए कि यहां पर भारी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं उनकी यहां पर तैनाती की गई है। घर के दोनों तरफ का रास्ता यानी कि जो रास्ता घर के दाहिनी तरफ से आता है और दूसरा रास्ता जो घर की बाईं तरफ से आता है, उन दोनों रास्तों को फिलहाल पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। पुलिस बैरिकेडिंग की गई है और हर चौराहे पर ठीक इसी तरह से आपको पुलिसकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आएंगे। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो एक पुलिसिया कार्रवाई या सरकारी कार्रवाई आज यहां पर की जा रही है उस पर किसी तरह का कोई अवरोध ना हो, उसको जो ऑर्डर दिए गए हैं उस लिहाज से वो कार्रवाई की जा सके। तो उसी की तस्वीर फिलहाल प्रयागराज में देखने को मिल रही है। और मैं एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाता हूं यहां की कि जेसीबी मशीन लगातार यहां पर कार्रवाई करती हुई आपको नजर भी आ रही होगी। तमाम सारे जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो फिलहाल यहीं पर मौजूद हैं जहां पर कार्रवाई की जा रही है। तमाम सारे जो पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिसिया जो कार्रवाई है वो भी आपको यहां पर तस्वीरों में नजर आ रही होगी। कल भी प्रयागराज में जो एक आरोपी है जिनकी भूमिका संदिग्ध पाई जा रही थी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और आज भी यहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल अभी जो घर के ठीक सामने से बिजली विभाग का जो बिजली का एक बड़ा वायर जा रहा है उससे जेसीबी मशीन फिलहाल उस पर फंस सकती है, लिहाजा उस वायर को उस तार को वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए थोड़ी देर के लिए यहां पर जो मशीनें हैं उनको रोका गया है ताकि इस वायर को यहां से हटाया जाए और उसके बाद इस जो प्रक्रिया है ध्वस्तीकरण की उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये एक आप कह सकते हैं कि जो सफदर अली हैं उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई आज यहां पर देखने को मिल भी रही है और ये मकान का सामने का हिस्सा आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर भी आ रहा होगा। काफी बड़ा घर यहां पर बनाया गया था सफदर अली की तरफ से। 60 फीटा रोड है, काफी चौड़ी रोड है। यहां पर सड़क के दोनों तरफ मकानों की लाइन आपको देखने को मिलेगी जो मकान यहां पर बनाए गए हैं। तो एक आप कह सकते हैं कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से एक तरफ जहां पुलिसिया कार्रवाई अलग अलग जनपदों में देखने को मिल रही है, छापेमारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए लोग जिनकी भी भूमिका उस पूरे मामले से जुड़ी हुई है, कहीं से कोई कनेक्शन या संबंध उनका सामने आ रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि जो बात अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे कि सीधे तौर पर उसी मामले में आरोपित न करते हुए कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि जैसे सफदर अली की कार्रवाई की बात की जाए तो इनका जो मकान है इसके बारे में ये कहा गया कि इनका मानचित्र स्वीकृत नहीं था, अवैध निर्माण किया गया था, इसलिए फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो एक बात कही जा रही है कि एक मैसेज देने की कोशिश है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कि अगर आपकी किसी भी अपराध में या आपराधिक गतिविधि में कोई संलिप्तता कहीं से पाई जाएगी तो आपको भी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। और उसी के तहत प्रयागराज में जो कार्रवाई का सिलसिला है, जो बुलडोजर एक्शन है, वो लगातार देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल 3 जेसीबी मशीनों के माध्यम से मकान तोड़ने की प्रक्रिया की जा रही थी। वायर चूंकि बताया मैंने आपको कि फंसा हुआ है यहां पर, लिहाजा अभी थोड़ी देर के लिए कार्रवाई रोकी गई है, लेकिन ये कार्रवाई अभी लगातार देखने को मिलेगी। एक लंबी फेहरिस्त जो जानकारी मिल रही है उस लिहाज से ऐसे लोगों की तैयार की गई है जिनका कहीं ना कहीं इससे कनेक्शन है। अतीक अहमद के खिलाफ जो कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है लगातार, अभी उनके जो उनके बेटे हैं वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, तो दोनों तरह की कार्रवाई फिलहाल प्रयागराज में देखने को मिल रही है और कोशिश यही की जा रही है कि इस घटनाक्रम से फिलहाल जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको उठाया जा सके। लेकिन अशोक, हम देख रहे हैं कि दो तरफ की, जैसा आप कह भी रहे हैं कि दोनों तरफ से कार्रवाई चल रही है, एक तरफ उमेश हत्याकांड में जो अपराधी शामिल है उनकी तलाश चल रही है, उनके खिलाफ एनकाउंटर भी वहां पे देखने को मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ
उनके घरों को बुलडोजर के जरिए एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि जनता में वहां क्या मैसेज जा रहा है। आम लोग जिन्होंने इन माफियाओं को, गैंगस्टर को पलते बढ़ते देखा है, दबंगई दिखाते हुए देखा है, आज जब उनके घर पर इस तरह से बुलडोजर चल रहा है, तो आपकी बात हुई होगी आम लोगों से, स्थानीय लोगों से, उनका क्या रिएक्शन है, उनमें क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जब भी जब जब चुनाव आते हैं तो उस वक्त कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो आपको याद होगा कि 2022 के चुनाव के वक्त भी लॉ एंड ऑर्डर को बहुत प्रमुखता से बड़ा मुद्दा बनाया गया था। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तरह से उसका व्याख्यान भी कर रहे थे कि उनकी सरकार में ज़्यादा अच्छी स्थिति थी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ज़्यादा बेहतर थी। लेकिन ये ज़रूर है कि बुलडोजर एक्शन का पब्लिक के भीतर बहुत बड़ा क्रेज़ देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर खुश होते हैं और ये कहते हैं कि अगर इन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित की है, अगर इन्होंने कोई आपराधिक गतिविधि में उनकी संलिप्तता रही, उसके माध्यम से कोई संपत्ति निर्मित की है, तो अगर उस पर इस तरह की कार्रवाई होती है तो वो पूरी तरह से जायज है। हालांकि जो परिवार के लोग होते हैं जिनके घर पर कार्रवाई होती है वो इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन इन जनरल अगर बात की जाए तो पब्लिक के बीच में एक बड़ा मैसेज जाता है। पब्लिक इस बात को देख के काफी, आप कह सकते हैं कि राहत भरी सांस भी लेती है कि अगर अपराधी या अपराधियों के घरों पर इस तरह का बुलडोजर एक्शन होता है, इस तरह की कार्रवाई होती है, तो यह सरकारी कार्रवाई पूरी तरह से जायज बताई जाती है। तो लोगों में इसका एक अच्छा मैसेज जाता है। और यही बात जो मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि सरकार की तरफ से भी यही कोशिश की जा रही है कि कार्रवाई ऐसी हो जिसका एक 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 बड़ा मैसेज पब्लिक के बीच में जाए और सरकार इस बात को बताने में कामयाब हो पाए कि जो वादा हमने किया था, जो बात हमने कही थी, उसको हम पूरी तरह से निभा रहे हैं। जितने भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और सरकार अपने वादे पर पूरी तरह से कायम है। तो इसका एक बड़ा मैसेज जाता है, एक मास मैसेज जाता है एक पब्लिक के बीच में कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पहली सरकारों में क्या स्थिति हुआ करती थी, आपकी सरकारों में किस तरह की स्थिति है, तो इसका आप खुद तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो उसी तरह की कार्रवाई फिलहाल प्रयागराज में भी देखने को मिल रही है। और अशोक, मैं चाहूंगा एक बार फिर थोड़ा सा आप विजुअल दिखाएं, जहां तक ये कार्रवाई हुई है, जहां बुलडोजर अभी चल रहा है, क्या अभी कार्रवाई वहां पे हो चुकी है और आगे क्या होनी है, थोड़ा एक्शन दिखाएं, क्या एक्शन देखने को मिल रहा है वहां पे? देखिए, अभी फिलहाल जेसीबी का एक्शन रोका गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि घर के ठीक सामने से बिजली का एक वायर जा रहा है। मैं अपने कैमरा सहयोगी सचिन से कहूंगा कि वो आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। घर के ठीक सामने से बिजली का एक वायर जा रहा है, फिलहाल उसको आप देखिए कि हटाया जा रहा है यहां से, और उसके बाद जेसीबी का एक्शन दोबारा शुरू होगा। तो आपको बिजली विभाग के कर्मचारी वहां पर तार फिलहाल काटते हुए नजर आएंगे ताकि इस वायर को यहां से हटाया जाए और बुलडोजर आगे बढ़ पाए। तो आप देखिए कि यहां पर फिलहाल उस वायर को पूरी तरह से काट दिया गया है, यानी कि जिसके माध्यम से बिजली सप्लाई हो रही थी, वो जो बीच में एक बाधा के तौर पर उसको देखा जा रहा था जेसीबी एक्शन के दौरान, तो फिलहाल उस वायर को काटा गया है और आप देखिए कि फिर यहां पर जेसीबी का एक्शन शुरू होने वाला है। तो फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए ये प्रक्रिया रोकी गई थी, लेकिन अब इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। वो देखिए, मशीन फिर से पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है और अभी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में घर के बाहर का सामने का हिस्सा फिलहाल पूरी तरह से ध्वस्त किया गया था और अब मशीन घर के भीतर भी जाने की कोशिश कर रही है। अभी जो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया है उसको फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जो एक तार था बिजली का, जो एक बाधा के तौर पर था मशीन के रास्ते में, उसको फिलहाल हटाया गया है और आप देखिए कि फिर से यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जेसीबी मशीन ने अपनी यहाँ पर जो मकान को ध्वस्त करने की प्रक्रिया है उसके तहत फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो साफ तौर से अपने दर्शकों को बता देंगे कि किस तरह से यूपी के प्रयागराज में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन में नजर आ रहा है। उमेश हत्याकांड के बाद योगी सरकार एक बार फिर एक्शन में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बड़ा बयान दिया था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और जब जब इस तरह के एक्शन देखने को मिलते हैं तो साफ तौर से जनता में एक मैसेज देने की कोशिश योगी सरकार कर रही है कि जो भी अब यूपी में कानून तोड़ेगा, जो भी अपराध की राह अपनाएगा, उसका अंजाम, उसके घर का अंजाम इसी तरह से होगा, इसी तरह से मिट्टी में मिला दिया जाएगा अपराधियों के घर। प्रयागराज से दूसरे दिन, लगातार दूसरे दिन ये एक्शन देखने को मिल रहा है, ये लाइव एक्शन हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। अशोक, ओवर टू यू, हम देख रहे हैं एक बार फिर बुलडोजर शुरू हो गया है। देखिए, निश्चित तौर पर अभी जो बिजली का एक वायर घर के सामने से जा रहा था, फिलहाल उसको वहां से हटाया गया है और आप फिर देखिए कि यहां पर जेसीबी मशीन पूरी तरह से एक्शन में आपको नजर आ रही होगी। अब घर का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, यानी दूसरी मंजिल का जो हिस्सा है, उसको आप देखिए कि जेसीबी मशीनों के माध्यम से यहां पर गिराया जा रहा है और पूरी एक बड़ी और कड़ी कार्रवाई, जिस बात को हम लोग शुरुआती दौर से कह रहे हैं कि जो सरकार जिस बात को कह रही थी कि बड़ी और कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे और उसको जनता देखेगी, तो वो तस्वीरें फिलहाल प्रयागराज में साठपीटा रोड पर जो मकान बना हुआ था,
वहां पर जिस तरह की कार्रवाई बुलडोजर के माध्यम से, जेसीबी मशीनों के माध्यम से यहां पर की जा रही है, तो वो मैसेज फिलहाल सरकार देना चाहती थी और इन तस्वीरों के माध्यम से वो सरकार वो मैसेज देने में कामयाब भी हो गई है। और दूसरी बात जो सबसे अहम है इस पूरे यानी कि सफदर अली के इस मकान के ध्वस्तीकरण को लेकर, तो उसकी भूमिका की फिलहाल अभी आगे भी जांच की जाएगी। ठीक है, तो एक्शन ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। प्रयागराज से सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से बाबा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ, गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।